हाँ जी प्यारे बच्चों, आज के इस सेशन में आप लोगों का स्वागत है। हम आप लोगों के लिए एनसीईआरटी का 6.5 जो पाइथागोरस थ्योरम है उसके ऊपर बेस क्वेश्चन 6.5 के हैं वो लेकर आए हैं और आपने प्रूव करना है। तो आपने आज इसको एनालिटिकल समझने की कोशिश करनी है, ठीक है। आपने जो अपना व्यू है इसके अंदर थोड़ा सा ब्रॉड बनाना है, ये नहीं है कि कोई रटा वेकेशन लगाना है कि आपको याद हो जाए सब कुछ हो जाए। तो क्वेश्चंस को पहले आप देखो करना कैसे, ठीक है, अप्रोच कैसे होगी, और हर क्वेश्चन का तीन तीन मेथड सोचने हैं कि इसको कैसे करना है। अब हथियार आप लोगों के पास सारे के सारे हैं। पाइथागोरस थ्योरम सबसे बड़ा हथियार है कि जिसके अंदर आप लोगों को मालूम है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बाकी दोनों साइड के स्क्वायर्स के सम के इक्वल होता है, उसका कन्वर्स है। यदि आपको हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर दे रखा है बाकी दोनों साइड के स्क्वायर्स के सम के इक्वल है, तो जो सबसे बड़ी वाली साइड के अपोजिट वाला एंगल है वो क्या होगा, 90 डिग्री होगा। उसके अलावा आपने एक थ्योरम बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम की, यदि कोई पैरेलल है तो वो साइड को प्रोपोर्शन में बांटता है, उसकी कोरोलरीज भी आपको मालूम है। उसके बाद यदि दो ट्रायंगल का एरिया आपस में इक्वल है तो उनकी जो साइड्स का स्क्वायर होता है वो आपस में क्या होते हैं, प्रोपोर्शन में होते हैं। तो इन सब हथियारों को सोचते हुए और अपने दिमाग को थोड़ा सा ब्रॉड करते हुए कैसे सोचना है, हाउ टू थिंक, हाउ टू एनालिटिकल, तो आपकी अप्रोच अच्छी हो जाती है, ठीक है। क्वेश्चन के सोल्यूशन तो आपको दुनिया भर में हर जगह मिल जाएंगे, नेट पे खोलोगे तो आपको दुनिया भर के क्वेश्चन है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि सोचना कैसे, हाउ टू थिंक इट। तो इस क्वेश्चन को हम उस तरह सोचेंगे। बच्चों, पी क्यू आर एक ट्रेंगल है, राइट एंगल एट पी एंड एम इज अ पॉइंट ऑन क्यू आर, ठीक है। पी क्यू आर एक ट्रेंगल है, तो आपको जैसे जैसे कह रखा है, यदि फिगर नहीं दे रखा तो वो आपको बनाना पड़ता है और एनालिटिकल सोचना पड़ता है। तो बच्चों, ये एक ट्रायंगल बना दिया मैंने, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम, ठीक है। एक मैंने जानबूझ के एंगल बनाया है, वो कौन सा बनाया है बच्चों, 90 डिग्री बनाया, ठीक है, और वो 90 डिग्री आपको नज़र आ रहा है कि ये एंगल क्या है, 90 डिग्री। तो पी क्यू आर इज अ ट्रायंगल, राइट एंगल एट पी, पी पे दे रखा है बच्चों, ये पी, ये आपका क्यू, ये आपका आर। अब आप इसको एनालाइज करो, बेस क्या है बच्चों आपका, पी क्यू कह सकते हो यदि एंगल क्यू लोगे ट्रिग्नोमेट्री के अकॉर्डिंग, और यदि एंगल आर लोगे ट्रिग्नोमेट्री के अकॉर्डिंग तो बेस पी आर बन जाएगा, और परपेंडिक और हाइपोटेन्यूज क्या है बच्चों, आर क्यू, क्योंकि पी के सामने वाली साइड्स क्या होती है, वाला एंगल जो होता है साइड क्या होती है, हमेशा बड़ी होती है। अपने दिमाग में एनालिसिस करो फटाफट, और इस साइड का स्क्वायर इस साइड के स्क्वायर का सम बाकी इस साइड के स्क्वायर्स के इक्वल होता है। अब बच्चों, एम जो है पॉइंट है किसके ऊपर, क्यू, और इस एम के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी, प्रथम निहारिका कोई पोजीशन नहीं दे रखी, कुछ इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी कि वो मिड पॉइंट है या क्या है, और साथ में वो जी कह रहा है कि ये जो पी एम है वो है परपेंडिकुलर, किसके परपेंडिकुलर है बच्चों, क्यू आर के ऊपर परपेंडिकुलर है, पी एम जो है क्यू आर के ऊपर परपेंडिकुलर है। यहां तक बात समझ आ रही है, नहीं आ रही? अब देखो बच्चों, बात सोचने की कोशिश करो कि ये हमें प्रूव करना है, प्रूव डेट पी एम स्क्वायर इक्वल टू क्यू एम इंटू एम आर। इस सोच से पहले कुछ और सोच को करो बच्चों, ये बताओ इसके अंदर कितने ट्रैंगल हैं, तीन ट्रैंगल मिल रहे हैं, एक तो ट्रैंगल इटसेल्फ है और एक जो परपेंडिकुलर कराया पी एम परपेंडिकुलर क्यू आर, वो भी दो ट्रैंगल में डिवाइड कर रहा है। उन दोनों तीनों ट्रैंगल्स के बारे में क्या आइडिया आपका कि वो तीनों ट्रैंगल किस तरह के हैं, इक्विलेटरल हैं, आइसोसेलीस हैं या क्या हैं, वो क्या है बच्चों, राइट एंगल ट्रायंगल है तीनों, एक एंगल तो 90 है क्योंकि एक मैंने परपेंडिकुलर गिरा दिया था। अब वो तीनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर हैं या नहीं है, इस बारे में भी सोचना है। तो एक पहले मैं छोटी सी अप्रोच आपको बताता हूँ, फिर उसके बाद दूसरा मेथड बताता हूँ। इसी क्वेश्चन को हम दो तीन मेथड से करते हैं ताकि नेक्स्ट क्वेश्चन भी आप इसी तरह सोच के घर में इसको बहुत सारे तरीकों से करना है आपने, ठीक है। तो अब इसके अंदर इधर देखो बच्चों, ट्रायंगल मैंने कौन सा लिख लिया बच्चों, कौन सा आपको दिया हुआ था, पी क्यू आर, कौन सा ट्रेंगल दिया हुआ था, पी क्यू आर, और अब मैंने एक छोटा ट्रेंगल कौन सा ले लिया बच्चों, पी क्यू, ठीक है। अभी मेरे को मैचिंग करनी है सबसे पहली बात तो ये, ठीक है। अब इसके अंदर बेटा पी क्या है, 90। अब मैंने जो छोटे वाला ट्रेंगल लिया है उसमें मैचिंग क्या होगी बच्चों, एम क्या बच्चों, 90 डिग्री, क्योंकि उसमें पी 90 है। हाँ जी, इसमें देखो बच्चों, तो दोनों के अंदर ये जो क्यू एंगल है क्या है बच्चों, कॉमन है या नहीं, तो इसका मतलब ये दोनों ट्रायंगल्स क्या हैं, आपस में सिमिलर है,
दोनों ट्रेंगल आपस में क्या है, सिमिलर। तो मैचिंग आपको मिल इधर एंगल क्यू पी आर और इधर आपका एम और ये आपका क्यू एम पी, कुछ भी किसी भी तरह ले सकते हो। ईच एंगल क्या बच्चों 90। यहां पर मैं मेन आपको सोच पैदा करने का तरीका बता रहा हूं। दूसरा कॉमन है ये, क्या बच्चों कॉमन है। अब बच्चों देखो ये फिगर ही आप लोगों के लिए बहुत बढ़िया बन जाएगा। ये पी क्यू आर था ठीक है, ये पूरा ये दोनों एंगल्स दोनों के अंदर कॉमन थे। ये एंगल 90 था, ये वाला एंगल भी क्या था 90। तो अब इसके अंदर एक एंगल आर बचा और इसके अंदर ये एंगल क्या बचा पी। मैं देता हूं बच्चों एक्स, तो ये वाला एंगल भी क्या है बच्चों एक्स। अभी जो हमने बात प्रूव की तो ये वाला एंगल भी क्या है एक्स। इस तरह एक्स वाई लिखने से मैंने आपको बताया था कि आपका ब्रेन चलना शुरू हो जाता है, माइंड चलना शुरू हो जाता है, इसी को आपने चलाना है, दिस इज द थिंग ठीक है। अब बच्चों आपके पास एक अटैची है तो उस अटैची का बोझ उठा के चलते रहो, लेकिन किसी आदमी ने सोचा कि नीचे पहिए लगाए जाएं, पहिए तो व्हील तो बहुत पहले आ गए थे, अब वो व्हील से चला के लेके जा रहा उस अटैची को, उस ब्रीफ केस को, तो है तो वही ब्रेन, वही सब कुछ है। तो आपने अपने दिमाग को हल्का रखना है, तो जैसे जैसे सोच पैदा करोगे तो ये सिमिलर ट्रायंगल ही आपके लिए ब्रिज का काम करेगा। आप आईआईटी में बड़े आराम से पूछ सकते हो, हर एक चीज के बारे में सोचना है, वहां पर सिर्फ सोच है, उस सोच से क्वेश्चन बनते हैं, तो इस सोच को डेफिनेटली बढ़ाना है। तो ये बात समझ आ रही है या नहीं आ रही कि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर थे, इसलिए ये वाला एंगल एक्स है तो ये वाला एंगल भी क्या है एक्स। अब इधर देखो बच्चों छोटी सी बात सोचने वाली जी है, ये एंगल 90 था, ये वाला एंगल क्या है बच्चों 90, ये वाला एंगल भी क्या है, तो ये वाला एंगल एक्स है। यदि मैं इस एंगल को वाई ले लूं, यदि एक एंगल 90 है तो बाकी दोनों एंगल का सम भी क्या होता है बच्चों 90 होता है या नहीं होता, होता है। थोड़ा पहले मैकेनिकल बताता हूं फिर उसके बाद हम आगे चलेंगे आगे कैसे सोचना है। अब बच्चों ये क्या बच्चों एक एंगल और एक एंगल क्या है एक्स, तो ऑब्वियस है यदि मैं इसको नाम वाई दूं तो ये वाला एंगल भी क्या होगा बच्चों वाई होगा या नहीं होगा, सोचो, सोच पैदा करो यस और नो। क्योंकि इधर देखो ये एंगल 90 है तो बाकी दोनों एंगल मैंने क्या लिए एक्स और वाई लिए। इधर एक एंगल 90 है, एक एंगल एक्स आया तो दूसरा क्या आया वाई, एक 90 लिया तो ये क्या आया एक्स और वाई। तो ये यदि आपको फिगर समझ आ गया तो आपने इससे मैचिंग कर ली, इससे बहुत सारे रिजल्ट्स अपने आप ही प्रोड्यूस कर सकते हो, किसी को कहने की जरूरत नहीं है। तो इस तरह का एक क्वेश्चन सीबीएसई के अंदर आपके स्कूलों के अंदर बार बार आता है, और यदि आपका एनालिटिकल ब्रेन चलता है तो आप ये क्वेश्चन बड़े आराम से सॉल्व कर लोगे। तो ये बात समझ आई या नहीं आई, मैंने इसको थोड़ी देर के लिए क्या ले लिया वाई, तब आपको अपने आप समझ आ रहा है कि यदि ये एक्स है तो ये भी क्या वाई। तो अब एक तो ये ट्रायंगल आपस में सिमिलर आ गया, और अब इसको भी सिमिलर करो, जो तीन ट्रायंगल बताए थे ना वो तीनों ट्रायंगल क्या बताए थे आपने राइट एंगल ट्रायंगल बताए थे, तो एम क्यू पी मैं कर चुका हूँ। तो अब इधर देखो बच्चों इधर भी ट्रायंगल क्या आएगा एम ठीक है, और दूसरा एंगल क्या आएगा बच्चों यहाँ पर कौन सा एंगल दूसरा कॉमन है पी क्यू आर और एम, उसके अंदर देखो कौन सा एंगल कॉमन है, एक तो एम हो गया ठीक है, एक आर, दोनों के अंदर कॉमन है, और इधर आपका क्या ले रहा हूं मैं एम पी आर ठीक है। अब आप मैच कर सकते हो कि ये तीनों ट्रायंगल्स क्या हैं आपस में सिमिलर है। तो ये बात समझ आई या नहीं, इसको बार बार सोचना है, और सोचते ही आपका ब्रेन चलना शुरू हो जाएगा अच्छी तरह। तो ये बात समझ आ गई या नहीं आ गई, इस फिगर को मैं बड़ा सा बना देता हूँ ताकि आप लोगों को दिक्कत ना आए और आप लोग इसको अच्छी तरह सोच पाओ। और एक बार फिर आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, ये बच्चों आपका पी है, ये आर है, और ये क्या था बच्चों क्यू, और ये क्या बच्चों एम। ये इसके अंदर जो राइट एंगल ट्रायंगल बन रहे हैं कितने बन रहे हैं बच्चों तीन बन रहे हैं, कितने बन रहे हैं तीन, और तीनों ही आपस में क्या है सिमिलर है, एक एंगल तो 90 है, और ये दोनों ट्रायंगल भी आपस में सिमिलर हैं, और बड़ा ट्रायंगल भी आपस में क्या है सिमिलर है ठीक है। और आपने एक ट्रांजिटिव वाला रूल किया हुआ है, ए इज ए ब्रदर ऑफ बी, बी इज ए ब्रदर ऑफ सी, देन ए इज ए ब्रदर ऑफ सी, तो होगा ही होगा हर हालत में होगा। तो ये तीनों ट्रायंगल आपस में क्या है सिमिलर है, और उसका तरीका क्या है बच्चों, ये एंगल क्या है बच्चों 90, और ये वाला एंगल भी क्या है 90, और ये एंगल भी क्या है 90। अब मैंने थोड़ी देर के लिए इसको वाई पकड़ा, क्या पकड़ा वाई,
ठीक है जी। अभी हमने प्रूव किया था यदि ये एंगल एक्स है तो ये वाला एंगल भी क्या आया था, एक्स आया था, ये वाई है तो ये भी वाला भी क्या होगा, वाई। तो अब आपको ये समझ आ रहा है कि तीनों ट्रायंगल्स क्या हैं, आपस में सिमिलर हैं। और ये आपको क्लियर है बच्चों कि ये आप तीनों एंगल्स को मैच कर लो, दो एंगल्स को मैच कर ही रहे हैं। अब बड़े वाले के अंदर बच्चों एक 90 है, इस वाले से मैच कर रहे हैं, छोटा वाला 90 है, एक एंगल एक्स है और बड़े वाले के अंदर भी एक क्या एंगल, एक्स। तो ये तीनों मैंने आपको लिख दिए हैं कि तीनों ट्रायंगल्स क्या हैं बच्चों, सिमिलर है। तो ये बात क्लियर होगी या नहीं होगी। अब बच्चों देखो, पहली अप्रोच मैं बताता हूँ, ये अप्रोच तो आपने रखनी रखनी है। अब आपको वो कह रहा है पहले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर सेकंड में, कि पी एम स्क्वेयर इक्वल टू क्यू एम इंटू एम आर, ठीक है। आपको रिजल्ट गिवन है, वहीं से ही आप लो। इसको पी एम इंटू पी एम लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता बताओ बच्चों। ये पी एम वहीं का वहीं, इस क्यू एम को मैं यहाँ ले आता हूँ, और ये एम आर वहीं, और ये पी एम यहीं। बात है बच्चों, लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता, ठीक है। अब इधर देख बेटा, ट्रायंगल पी एम क्यू, ठीक है, किसके सिमिलर है बेटा, ट्रायंगल एम आर पी। इधर मैच करो, ये सिमिलर नज़र आ रहे हैं या नहीं आ रहे। हाँ जी, कैसे नज़र आ रहे हैं, इधर देखो, आप मैच करके देख सकते हो बच्चों कि ये दो ट्रायंगल कौन से आए थे, ये वाले आए थे। अब ये आपस में सिमिलर हैं या नहीं चेक करो, देखो पी एंगल और एम एंगल, पी एम क्यू देखो, ये रहा पी एम क्यू, ये क्या बच्चों 90, और उधर आपका पी 90 था और इधर एम क्या है 90, मैच कर रहा है पहला या नहीं। दूसरा क्या है, पी एम क्यू, पी एम क्यू ये हो गया बच्चों एम 90 है, और इधर एम आर पी कौन सा एंगल था बच्चों, एम आर पी ये वाला था, ठीक है। तो ये आपका मैचिंग कर रहा है या नहीं कर रहा बच्चों, इधर देखो, तो नहीं कर रहा बच्चों ये, तो इसको ठीक करो सबसे पहले तो, ठीक है। तो ये साइड्स हमने ले तो ली हैं, तो इसके अंदर ये पी एम एक नीचे ले गए हैं, आर एम पी, अब ये मैच कर रहा है बच्चों। तो अब बच्चों ये दोनों ट्रायंगल क्या हैं, सिमिलर। कैसे सिमिलर प्रूव करोगे, अब आपके पास फिगर बना हुआ है, कैसे प्रूव करते हैं बच्चों, इधर देखो कैसे हो गया बच्चों पी एम क्यू और आर एम क्यू, क्योंकि एक एंगल पी एम क्यू, तो उसका तरीका मैंने आप लोगों को बताया था सोचने का, कि आप इस तरह एक छोटा एंगल बना लो पी एम क्यू, और एक कौन सा बना लो आर एम पी, तो इससे आपको फटाफट मैच हो जाएगा। हाँ जी, फटाफट मैच करो, पी एम क्यू देखो सबसे पहले, वहाँ पर पी एम क्यू देखा, पी एंगल क्या है बच्चों एक्स, और एम एंगल क्या है 90, और क्यू एंगल क्या है वाई। अब आर एम पी देखो बच्चों, आर एंगल क्या है एक्स, और पी एंगल क्या है वाई, और एम क्या है 90। तो ये देखो दोनों एंगल मैच कर रहे हैं या नहीं कर रहे, तो ये बात समझ आ गई। तो इस तरह आप नीचे अपना काम आराम से कर सकते हो। अब दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं तो उनकी साइड्स आपस में क्या होती है, प्रोपोर्शनल। तो पी एम उधर लिखा, इधर डायगोनल में भी पी एम लिख दिया, यहाँ तक बात समझ आ गई। अब देख बेटा, इसके पहले दो वर्टिसेस को हमने लिखा था, तो दूसरे वाले ट्रायंगल के भी दो वर्टिसेस लिखने पड़ेंगे आर एम। इधर जो है हमने सेकंड और लास्ट वाला लिखा था, तो इधर भी सेकंड और लास्ट वाला कौन सा है, एम क्यू। तो ये आ गया पी एम स्क्वेयर इक्वल टू आर एम इंटू एम क्यू। ये बात प्रूव होगी या नहीं होगी, तो दिस थिंग यू हैव टू इट। ये तो पहली अप्रोच थी, और जो सबसे बड़ी अप्रोच बताई वो मैंने, इस फिगर को आपने एनालाइज कर लेना है क्या है क्या नहीं, और इसको चलते फिर से आपने दिमाग लगाना है कि क्या होता है क्या नहीं, ठीक है। देखो, थिंक करना शुरू किया तो क्वेश्चन बनने शुरू हो जाएंगे। अब कोई दूसरा तरीका सोचो बच्चों, अब इतने बच्चे तादाद में बैठे हुए हो, तो दूसरा तरीका बताओ इसको बच्चों सोचने का, और क्या हो सकता है। कि ये अब हमने प्रूव किया कि पी एम क्यू और आर एम पी दोनों ट्रायंगल्स क्या हैं, सिमिलर हैं। अब देखो बच्चों, राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया आप लोगों को मालूम है कैसे निकालते हैं, उसके लिए कोई बेस नहीं चाहिए होता, कोई हाइट नहीं चाहिए होती। तो राइट एंगल ट्रायंगल में बेस भी अपने आप होता है और हाइट भी अपने आप होती है। तो अब दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उनका साइड का स्क्वायर क्या होता है बच्चों, आपस में इक्वल होता है या नहीं होता। तो ये पी एम क्यू और आर एम पी, अब ऑल्टरनेट मेथड बता रहा हूँ इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। हाँ जी, इस ऑल्टरनेट मेथड को कैसे सॉल्व करना है, ताकि वो अगले क्वेश्चन में भी आपको हेल्प करेगा, और इस तरह का एक क्वेश्चन पक्का आता है, और इसको ब्लैक पेन से करता हूँ।
तो अब ट्रायंगल क्या आया बच्चों, पी एम क्यू और ट्रायंगल कौन सा आया, आर एम पी। ये दोनों ट्रायंगल्स क्या हैं, आपस में सिमिलर हैं, ठीक है, बात आई बच्चों समझ। अब आपको मालूम है बच्चों ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये 3 4 5, इसका एरिया क्या होगा, यदि ये 90 है तो एरिया क्या होता है, हाफ 3 × 4 होता है, तो ये बात समझ आई या नहीं। और एक दूसरा तरीका और भी है, यदि मैं ये वाला परपेंडिकुलर गिरा देता हूँ तो इसका नाम दे देते हैं हम सपोज ए, तो इसका एरिया और कैसे हो सकता है, हाफ ए इंटू 5, हाफ हाफ कैंसिल, तो 12 = 5 ए आ गया, तो ए भी आपको पता चल जाता है क्या है क्या नहीं, तो ये बात समझ आई या नहीं, एरिया ऑफ ट्रेंगल कैसे निकाल सकते हैं। अब ये दोनों ट्रेंगल सिमिलर आए थे, तो एरिया ऑफ ट्रेंगल पी एम क्यू, ऑल्टरनेट मेथड बता रहा हूँ मैं आप लोगों को, इसको ऑल्टरनेट कैसे कर सकते हैं, एरिया ऑफ ट्रेंगल आर एम पी। हाँ जी, अब पी एम क्यू का एरिया बताओ बच्चों, पी एम क्यू का, उसके ऊपर तो कोई परपेंडिकुलर गिराया नहीं हुआ, तो परपेंडिकुलर क्या है उसके अंदर, हाफ और एम क्यू, ठीक है, और परपेंडिकुलर क्या है, पी एम। ये बात समझ आती है नहीं आती, क्लियर है। और नीचे आर एम पी का एरिया क्या होता है बताओ बच्चों, आर एम पी फिगर आपके सामने बना हुआ है, इसके ऊपर परपेंडिकुलर क्या है, पी एम, और बेस क्या है, एम आर, तो पी एम से पी एम गया, हाफ से हाफ गया। अब बच्चे कहते हैं सर आगे क्या करोगे, अब दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उनका एरिया क्या होता है आपस में बच्चों, साइड के स्क्वायर के इक्वल होता है। अब साइड्स कौन सी लेनी है, यहां पर देखो बच्चों एम क्यू भी आ चुका है, एम आर भी आ चुका है, तो मुझे क्या चाहिए, पी एम स्क्वायर ले लिया मैंने, क्या ले लिया, पी एम स्क्वायर, तो इधर क्या होगा बच्चों, एम आर स्क्वायर होगा, बात समझ आती है नहीं आती, वही दोनों साइड्स के इक्वल। तो अब क्या करें बच्चों, एम क्यू एम आर इक्वल टू पी एम स्क्वायर अपॉन एम आर स्क्वायर, तो दोनों तरफ से हम इसको कैंसिल कर सकते हैं, तो पी एम स्क्वायर इक्वल टू एम क्यू इंटू एम पी, यही बच्चों हमें क्या करना था, प्रूव करना था, एम क्यू इंटू एम आर। दिस इज द एनालिसिस कि आपने कैसे सोचना है, कैसे करना है। तो ये दो मेथड मैंने आपने आपको बताए, और बहुत सारे मेथड हैं इसको सोचने के, तो आपका यदि ये फिगर क्लियर हो गया तो आप क्वेश्चन को बड़े आराम से सॉल्व कर सकते हो, कि कोई भी दो ट्रायंगल सिमिलर ले लो, उनका एरिया करो, और वो आपको पता चलता रहेगा मैचिंग। जैसे आप सुबह घर से निकलते हो तो आपको घर से मैच करना पड़ता है, कौन सा ब्लाउज कौन सी साड़ी के साथ पहनना है, लड़कों को ये सूट करना पड़ता है कि कौन सी साड़ी, कौन सी शर्ट, कौन सी पैंट के साथ डालनी है, जीन का रिवाज किस लिए चलता है, क्योंकि जीन सबके साथ चल जाती है। तो यहाँ पर भी क्या करना है, सिंपल सी मैचिंग करनी है, मैचिंग करते ही आपका काम हो जाएगा। अब बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, और वो भी क्वेश्चन मुझे लग रहा है इसी तरीके से है, और अब आप उसको बनाएंगे तो अब आपका क्वेश्चन वो अपने आप बन जाएगा। और वैसे तो ये क्वेश्चन आप लोगों को सबसे पहले वीडियो को पॉज करके खुद सॉल्व करना चाहिए, और इसका फिगर मैं दोबारा बना देता हूँ, इसका फिगर जो है वो रब हो गया। ये क्या था बच्चों, ये क्या था बेटा, ए, ये क्या था बी, और ये क्या था डी, ठीक है। अब ए सी परपेंडिकुलर कहाँ गिराया, बी डी पे गिराया, ठीक है, ये फिगर अब आपको दिया हुआ है। अब आप सोचना शुरू करो इस क्वेश्चन के बारे में, कैसे सोचना है, कैसे करना है, और वहां पर लिखना सब कुछ पड़ता है, बिना लिखे काम होता नहीं। अब यहाँ के लिए मैं ग्रीन पेन यूज कर लेता हूँ। हाँ जी, अभी तक देखो बच्चों ये एंगल क्या है बच्चों, 90, और ये एंगल भी क्या है बच्चों, तो ये वाला एंगल भी क्या है, बात समझ आई। अब अपने अपने दिमाग को चलाना है बच्चों, इस एंगल को मैंने क्या रख दिया बच्चों, एक्स, इस एंगल को क्या रख दिया मैंने, एक्स। अब सोचो और एंगल कौन सा एक्स हो सकता है, ठीक है, अब ये एक्स है तो ये वाला एंगल कुछ अलग लेना पड़ेगा, इसको मैंने वाई ले लिया, इसको मैंने क्या ले लिया, वाई, और x प्लस वाई 90 है, तो ये वाला एंगल भी क्या होगा, x, और ये वाला एंगल क्या आएगा, y। सिंपल सी बात है, एक एंगल क्या था 90, एक को मैंने x लिया, एक को क्या ले लिया मैंने, और अब आप मैच करके देखो, आपको सारी मैचिंग मिल रही है, ठीक है। तो आप फटाफट मुझे बताओ इस फिगर के अंदर, पीछे आपने क्वेश्चन किया था कि कौन था एंगल के सिमिलर है, सबसे पहले बच्चों ए बी डी ले लेते हैं, ठीक है, चलो निहारिका की बात मान लेते हैं,
एडी सिमिलर किसके होगा बेटा, ट्रेंगल सोचो। ए क्या बचा 90 इसके अंदर, ठीक है। और बी कौन सा एंगल है इधर बेटा, वाई सी एडी, ठीक है। ये क्या आ गया, सिमिलर आ गया। इसके सिमिलर होगा, सोच पैदा करो, ठीक है। तो इस क्या बच्चों 90, और ए क्या, बी क्या था यहां पर, वाई, तो यहां पर बी है बच्चों वाई है, और सी बी ए, ये तीनों टाइप आ गए बच्चों सिमिलर। बस ये रिजल्ट लिखते ही आपका रिजल्ट बनना शुरू हो जाता है। तो इसका पिछले क्वेश्चन में बता चुका हूं आपको कैसे करना है। अब हम आगे सोचते हैं बच्चों। अब आपको बताओ बच्चों कौन सी अप्रोच अच्छी लगी, उसी अप्रोच के अकॉर्डिंग हम चलते हैं। एरिया वाली अप्रोच अच्छी लगी या पहले मेथड वाली अप्रोच अच्छी लगी। अब इधर देखो बच्चों, बच्चे कह रहे हैं कि वाली अप्रोच अच्छी लगी। यदि आपको पहला क्वेश्चन प्रूव करना है तो पहला क्वेश्चन जो है हम पहले वाले मेथड से करते हैं, और दूसरे वाला पार्ट जो है हम एरिया वाला से करेंगे। अब इसमें देखो बच्चों, ए बी अपॉन बी सी इज इक्वल टू बी डी अपॉन ए बी। इससे आपको कि कौन कौन से दो ट्रायंगल आपने सिमिलर लेने हैं, ये सिमिलर टू ट्रायंगल बी डी ए, जा रही है नहीं आ रही। तब तो आप मैच करो कि ए बी सी और बी डी ए कौन कौन से दो ट्रायंगल सिमिलर हैं या नहीं है। इधर देखो चेक करो, ये गड़बड़ थोड़ी सी साइड। तो देखो ये क्या था, सी बी ए क्या था, ठीक है। इधर क्या था, सी बी एबीसी के अंदर 90, सी, ठीक है। और उसमें डी बी डी ए था एंगल, देखो भी है बात आई बच्चों समझ। अब ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं तो इनकी साइड्स आपस में क्या होगी, इधर ए बी लिखा, मुझे स्क्वायर चाहिए तो इसमें से भी मुझे क्या लिखना पड़ेगा, लास्ट वाले दो, ठीक है। और जब हम साइड्स लिखते हैं, ए बी की जगह बी ए लिख दो चाहे बी ए लिख दो, तो कई बार उसे हमें बी ए को ए बी बी भी लिखना पड़ता है। हाँ जी, अब इधर देखो बेटा, इधर भी फर्स्ट और सेकेंड का सेकेंड एंड लास्ट, तो इधर सेकंड लास्ट कौन सा है, बी सी। तो ये क्या आ गया, ए बी स्क्वेयर इक्वल टू बी डी इंटू बी सी। तो ये बात समझ गई या नहीं आ गई कि पहले वाला पार्ट प्रूव हो गया या नहीं हो गया, पक्का अच्छी तरह। अब जो सेकंड वाला पार्ट है उसके लिए हम ऑल्टरनेटिव मेथड ले लेते हैं। हाँ जी, अब इसके अंदर बच्चों मुझे ए सी स्क्वेयर इक्वल टू बी सी इंटू डी सी करना है। क्या करना है, ए सी स्क्वेयर इक्वल टू बी सी इंटू डी सी। तो अब ये बताओ बेटा, इसके अंदर दो ट्रायंगल कौन कौन से लेने चाहिए मुझे, जो सेकंड पार्ट प्रूव करना है। सेकंड पार्ट क्या प्रूव करना है, ए सी स्क्वेयर इक्वल टू बी सी इंटू डी सी, ठीक है। अब आपको ट्रायंगल पता होना चाहिए कौन कौन से करने हैं। तो ये ए सी है, ये क्या है बी सी, इधर ले जाता हूँ, ये डी सी और ये ए सी, मैच करो ट्रायंगल ए सी बी, और इधर मैच करो डी सी ए, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं या नहीं है चेक करो, इसकी मैचिंग ठीक है या नहीं है पहले चेक करो। ए सी बी देखो बच्चों, ए सी बी एंगल ए क्या था यहाँ पर 90, और वहाँ पर एंगल सी क्या था डी सी ए में, सी था, तो ये सी डी ए, पहले तो ये ठीक हो गया, ठीक है। ए सी बी, हाँ जी, ए सी बी कौन सा है, ये रहा ए, ये सी, और ये कौन सा है बी। तो मैच करो इसको पहले अच्छी तरह, क्या मैचिंग होगी, ठीक डी सी ए, ठीक है। तो ये मैच कर लिया आप लोगों ने, ठीक है, चेक कर लो पक्का अच्छी तरह। हाँ जी, इधर ए कितना है, ए सी बी, लो ना बच्चों इस तरह कर लिया करो फटाफट, दिमाग ज़्यादा लगाना नहीं पड़ेगा। ए सी बी, और मैंने लिखा डी सी ए। अब ए सी बी के सारे एंगल लिख लो, कौन सा बच्चों, ए सी बी एंगल ए कितना है एक्स, सी कितना है 90, और बी कितना है वाई। बात ही बच्चों समझ। अब डी सी ए ले देखो, डी क्या बच्चों एंग, और सी कितना है 90, और ए कितना है वाई।
तो मैच हो रहा है बच्चों, इस तरह प्रॉब्लम जो है आपकी क्या बन जाती है, ऑब्जेक्टिव। तो मेन आईआईटी के अंदर आपको इस तरह प्रॉब्लम अपनी ऑब्जेक्टिव बनानी होती है। तो अब आप लोगों को मालूम है कि सेकंड पार्ट को प्रूव करने के लिए हमने ये वाला पार्ट, तो बहुत आसान है तो इसे तो बड़े आराम से कर सकते हो। तो अब कैसे करेंगे इधर बताओ। एरिया ऑफ ट्रायंगल एसीबी, आगे बताओ बच्चों। एरिया ऑफ ट्रायंगल डीसीए इक्वल टू क्या होगा, एसीबी का एरिया बताओ। एसीबी का एरिया ये है बच्चों एसीबी, तो इसमें क्या है बच्चों बीसी इंटू एसी, ठीक है। और डीसीए का एरिया बताओ हाफ, और एसी तो है ही दोनों के अंदर कॉमन, और इधर क्या गया डीसी, एसी एसी कट गया, हाफ हाफ कट गया, तो ये हमारा क्या गया बीसी अपॉन डीसी। ये बात समझ आ रही है नहीं आ रही। अब मुझे रिजल्ट में एसी स्क्वायर चाहिए, मुझे रिजल्ट में क्या चाहिए एसी स्क्वायर। मैं पहले दो साइड का स्क्वायर कर देता हूँ क्योंकि मैंने मैचिंग की हुई है, पहले दो वर्टिसेस का स्क्वायर कर दिया, इधर भी पहले दो का करना पड़ेगा, तो डीसी से डीसी कट गया एक, तो क्या गया एसी स्क्वायर इक्वल टू बीसी इंटू। सिंपल बन गया या नहीं बन गया, क्लियर है। तो इस तरह क्वेश्चन को आपने फटाफट सिंपल और ऑब्जेक्टिव बना लेना है। हाँ जी, नेक्स्ट है बच्चों एडी स्क्वायर इक्वल टू बीडी इंटू सीडी करना है, तो इसमें कौन से दो ट्रायंगल लेने पड़ेंगे। तो ये पार्ट आप लोगों के लिए छोड़े हैं बच्चों, थर्ड पार्ट कैसे करेंगे इसको बताओ। हाँ जी, इसको फिर चलते हैं बच्चों उसी तरह, और इसको आपने क्वेश्चन को काफी बार सॉल्व करना है। ये आपका है एडी स्क्वायर इक्वल टू बीडी इंटू सीडी, तो एडी अपॉन बीडी, सीडी अपॉन एडी। अब जो ट्रायंगल बना है उसको मैच करते हैं यहाँ पर, ये आपका ए है, ये बी है, ये डी है, ठीक है। तो हाँ जी, और इधर क्या बनाना है बच्चों ट्रायंगल बताओ। ये आपका सी डी ए बनेगा, क्या बनेगा सी डी ए, मैंने लिख दिया ऐसे, अभी मैच कर लेते हैं, ठीक है। एंगल ए जो है यहाँ पर ए बी डी ट्रायंगल, देखो बच्चों ए बी डी ट्रायंगल कौन सा पूरे वाला है, तो एंगल ए क्या था 90, ठीक है, और बी एंगल क्या था वाई, और डी एंगल क्या था एक्स। हाँ जी, अब सी डी ए देखो बच्चों, तो सी तो हमारा अपने आप ही 90 आ गया, बहुत बढ़िया। हाँ जी, और हाँ जी, और डी क्या है बच्चों एक्स, तो इसका मतलब डी को यहाँ लिखना पड़ेगा। हाँ जी, और इसको क्या लिखना पड़ेगा सी डी ए, और ये क्या हो गया वाई, अपने आप मैच होगा हर हालत में, ठीक है। ये दोनों ट्रायंगल्स भी क्या हैं बच्चों आपस में सिमिलर, तो अब इनका एरिया लेते हैं। तो ट्रायंगल कौन कौन सा लेना पड़ेगा बच्चों, पहले ये बताओ ए बी डी, वेरी गुड, और दूसरा क्या लेना पड़ेगा सी सी ए डी, समझिए बच्चों। अब इसका एरिया लोगों को मालूम है कैसे करते हैं एरिया, तो उससे और आसान हो जाएगा। हाँ जी बताओ, क्या है एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी बताओ। हाफ ए बी, हाफ परपेंडिकुलर इनटू बेस, सी ए डी का एरिया बताओ, हाफ सी डी इनटू ए डी, वेरी, कौन सा एरिया था बच्चों सी सी डी बी सी डी ए, तो ए सी तो आएगा ही आएगा, और साथ में क्या आया उसका बेस आ गया, तो ये बच्चों हाफ से तो हाफ कट गया। अब हमारा ये जो है ए डी इंटू ए बी इज इक्वल टू सी डी इंटू ए सी, ये मैच, ये कट कुट नहीं रहा कुछ, दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इधर बताओ ऊपर रिजल्ट में क्या चाहिए, ए डी स्क्वेयर चाहिए, तो मैंने क्या लिया ए डी स्क्वेयर, फर्स्ट और लास्ट लिया था, मैचिंग की हुई है, तो इधर भी क्या कह लूँगा सी डी स्क्वेयर, तो सी डी से सी डी कट गया, और ए डी से एक ए डी कट गया, तो ये क्या आ गया बच्चों ए बी इंटू सी डी, ये गड़बड़ किया हुआ है, ए डी इंटू ए बी किया आपने, ए डी इंटू ए बी बिल्कुल ठीक किया हुआ है, और सी ए डी, सी ए डी का एरिया क्या है हाफ ए सी इंटू सी डी, ये भी बिल्कुल ठीक है। अब बच्चों यहाँ से रिजल्ट मुझे चाहिए था ए डी स्क्वेयर, तो ए डी स्क्वेयर चाहिए था तो कैंसिल होना चाहिए था, ठीक है। तो इधर मैंने किया बच्चों एंगल ठीक लिखे हुए हैं मैंने ए बी डी, और उधर क्या लिखा हुआ है सी ए डी, बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है, तो इसको फर्स्ट और थर्ड लिया, तो इसको फर्स्ट और थर्ड लिया, सी डी कैंसिल हो गया, और
आपका एडी एडी भी कैंसिल हो गया, तो ये आ गया ए बी इंटू सी डी इज इक्वल टू ए डी इंटू ए सी। क्या गड़बड़ हुई बच्चों ये बताओ, यहाँ पर नहीं बनी बात, ठीक है। और मुझे चाहिए ए डी स्क्वायर चाहिए, ये पक्की बात है, ठीक है। तो क्या गड़बड़ की आप लोगों ने, हाँ वो भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ए डी अपॉन सी डी भी कर सकते थे, बी डी अपॉन ए डी भी कर सकते थे, वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यदि आपका वहाँ बाई चांस ना हो रहा हो, ठीक है, और वहाँ पर आपका टाइम वेस्ट हो रहा हो, ये तो टाइम है ही है, तो ये दोनों ट्रायंगल्स आपने सिमिलर प्रूव कर दिए हैं, तो अब आप कोई अपने पुराने फर्स्ट वाले मेथड पे आ जाओ। ट्रायंगल कौन सा लिया, ए बी डी इज सिमिलर टू ट्रायंगल सी ए डी, तो इधर मैंने क्या लिखा ए डी, इधर भी क्या लिख दिया ए डी। अब बच्चों इसमें क्या लिखा है फर्स्ट और लास्ट, इसमें फर्स्ट और लास्ट क्या होगा सी डी, और इधर लिखा था सेकंड रो, तो ये बी डी आ गया, तो ये आपका आ गया ए डी इक्वल टू बी डी इंटू, ना लगाते हुए प्रॉब्लम तो आपकी सॉल्व होगी यदि आपके पास ऑल्टरनेटिव मेथड है, ठीक है। अब बच्चों आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर, ये कम मार्क्स वाले क्वेश्चंस में आता है, तो इसको कैसे करोगे बच्चों, क्या क्या चीज़ दे रखी है, तो आइसोसेलेस दे रखा है और एक राइट एंगल भी दे रखा है, और अब हमें प्रूव करना है कि ए बी स्क्वेयर इक्वल टू ट्वाइस ए सी स्क्वेयर। कैसे सॉल्व करेंगे बच्चों, ए बी सी राइस आपका क्या है बच्चों, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ठीक है, और राइट एंगल कहाँ पर है सी पे, तो ये सी है बच्चों, ये हम क्या कहते हैं ए बी सी ले लिया, ठीक है। अब मुझे प्रूव करना है ए बी स्क्वेयर इक्वल टू ट्वाइस ए सी स्क्वेयर। अब बच्चों इधर मुझे ये समझ आ रहा है ये 90 डिग्री है, तो ये वाली दो साइड्स आपस में क्या हो सकती हैं, इक्वल हो सकती हैं, तो ये दोनों एंगल भी क्या होंगे आपस में इक्वल, और इन दोनों एंगल का सम कितना था 90, तो ये कितना आ गया 45, ये भी कितना आ गया 45, और ये कितना है 90, तो ये बात समझ आती है। अब पाइथागोरस आपको मालूम है कि ए बी स्क्वेयर इक्वल टू क्या होता है ए सी स्क्वेयर प्लस बी सी स्क्वेयर, समझ आई बात बच्चों, लेकिन मुझे ट्वाइस ए सी स्क्वेयर चाहिए, तो बी सी जो है बच्चों किसके इक्वल है ए सी के, तो बी सी की जगह मैं क्या रख सकता हूँ ए सी, तो इधर ऐसा मत करना कि स्क्वेयर कैंसिल कर दो, तो ये ए सी का होल स्क्वेयर लिखा करो, चाहे इस बेटर ये होता है, तो ये क्या आ गया ए बी स्क्वेयर इक्वल टू ट्वाइस ए सी स्क्वेयर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5th जो है बच्चों उसके अंदर आपको साइड दे रखी है, और जो एसर्शन वाली चीज़ है वो इफ में दे रखी है, और प्रूफ करने वाली चीज़ जो है आपको राइट एंगल ट्रायंगल प्रूफ करना है, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, तो देखो ए बी सी आपका एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, क्वेश्चन आंसर नंबर 5th ए बी सी क्या है बच्चों, एक आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ए सी और बी सी आपस में इक्वल है, ये इक्वल हैं, तो इसका मतलब ये एंगल एक्स है, तो ये वाला एंगल भी क्या होगा एक्स, ठीक है। और प्रूव करना है ए बी सी जो है आपका राइट एंगल ट्रायंगल है, और अब आपको दे रखा है ए बी स्क्वेयर इक्वल टू ट्वाइस ए सी स्क्वेयर, तो अब आप इसको क्या लिख सकते हो ए सी स्क्वेयर प्लस ए सी स्क्वेयर लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। अब ए सी की जगह क्या लिख सकते हैं बच्चों, बी सी स्क्वेयर, ये तो गिवन है आपको, ए सी और बी सी आपस में क्या है गिवन है, तो ऐसा कब होता है कि दो साइड का स्क्वेयर थर्ड साइड के इक्वल होता है, कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस, तो इसका मतलब कौन सा एंगल आपका 90 डिग्री है, एंगल सी जो है वो क्या है आपका 90 डिग्री, तो ए सी बी इज 90 डिग्री, तो ट्रायंगल ए सी बी इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, तो ये बात समझ आ गई आप लोगों को या नहीं आ गई, बोलो बच्चों, ठीक है, सारे क्वेश्चन क्लियर हैं अब आप लोगों को। तो मेन जो इस वीडियो में मैंने आपको बताया वो ट्रायंगल बनाना चाहिए, कि जो उसके अंदर एक परपेंडिकुलर कराया है उससे दो ट्रायंगल बनते हैं और एक बड़ा ट्रायंगल, वो तीनों ट्रायंगल आपस में क्या होता है सिमिलर, उसको चाहे तो आप जो रिजल्ट प्रूव करना है उसी में से देख लो कि कौन से ट्रायंगल हैं, और नहीं तो आप एरिया ऑफ ट्रायंगल से उसको कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच।